हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। सो गाइज, आज हमारा पार्ट फिफ्थ है जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की है, और उसमें अभी हम कर रहे थे 2020 का एनटीए का जो पेपर है उसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं गाइज। और उस सोल्यूशन में आपका ये पार्ट फिफ्थ है, दिस इज पार्ट फिफ्थ। और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 7200 के जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनको हम कवर करेंगे। तो एक बार आप सब लोग मुझे चेक करके बता दीजिए एवरीवन कि आपको वॉइस, ऑडियो, वीडियो, पीपीटी सब क्लियर है। एवरीवन प्लीज एक बार आप सब लोग चेक करके बताएं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है आपको? अगर क्लियर है गाइस तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो 65 क्वेश्चन किया था, तो क्वेश्चन नंबर 66 से जितने भी आगे आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप करेंगे। 66 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अभी कवर अप करने वाले हैं। तो गाइस एक बार आप सब लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। एक बार आप सब लोग लाइक और शेयर कीजिए फटाफट से सेशन को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। चलो जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। एंड गुड इवनिंग स्मिता, खदीजा, निरपेन, सरोबोना, आरडी, संदीप, सुबी मोरिया, सभी को गुड इवनिंग गाइस। ठीक है, एक बार आप सब लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से सब लोग एवरीवन, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में गाइस अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपके लिए हर वेडनेसडे को नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 मंथ का तो 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 12 मंथ का लेंगे हैं तो भी आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 12 मंथ एंड 6 मंथ पे अभी आपके पास में ऑफर है जिसमें आपको 2 मंथ के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में आप अगर प्लस कोर्स लेना चाहते हैं गाइस तो 24 मंथ का सबसे बेस्ट प्लान है, रेफरल कोड शिव10 है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और जैसे आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 12 मंथ और 6 मंथ पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा भी आपको यहां से मिल रहा है। आइकॉनिक में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं, तो यहां भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। फायदे क्या होंगे आपको प्लस और आइकॉनिक में? आइकॉनिक में आपको ज्यादा फायदे हैं क्योंकि यहां से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, एसओपीज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलता है। ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी क्लासेस होंगी उसके रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले सब लोग शेयर करें फटाफट से। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको एवरीवन। क्वेश्चन है मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द परवचनास पर वंचास ऑफ द मुगल एम्पायर। पर वंचों के बारे में बताइए कि कौन कौन से कथन आपके ठीक है। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? इट वॉज द ऑफिशियल टर्म यूज फॉर द रेस्क्रिप्ट ऑफ द मिनिस्टर ग्रांडीज ऑफ द मुगल एम्पायर। It does not require the royal seal. They were issued in accordance with the previous order of the emperor. During the early period of the Mughal dynasty, parvanchas were not issued for the stipulated salaries of the begums and princes. नीचे दिए गए विकल्प में से उत्तर चुन के आपको बताना है। आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा सब लोग? पर वंचास के बारे में आपको बताना है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड क्या होते थे ये? सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो पहला आंसर संदीप का मुझे मिल चुका है, सी गंगा, सी सुबी मौर्या, सी अभिजीत, सी आरडी, सी स्मिता, सी साजिद खान, सी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल सी आंसर यहां पे कर रहे हैं। एंड गाइज द वेरी करेक्ट आंसर इज, आपका जो सही आंसर है वो आपका 3 ही है। अब देखो परवंचास क्या होते थे, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है गाइज। ठीक है,
आपने फरमान के नाम सुने होंगे, फरमान, ठीक है, फरमान की तरह ही आपके परवनचाज होते थे गाइस, फरमान की तरह ही आपके क्या होते थे, परवनचाज होते थे। तो ये जो परवनचाज होते थे गाइस, ये किंग के द्वारा यानी राजा के द्वारा जारी किए जाते थे गाइस, पहली चीज को, के द्वारा, राजा के द्वारा जारी किए जाते थे। पहली चीज तो ये याद रखना कि परवनचाज क्या है, ये सिमिलर टू फरमान ही होते थे जो कि राजा के द्वारा जारी किए जाते थे, टू द ऑफिशियल इन हिज किंगडम। अब ये जारी किसको किए जाते थे, जो अधिकारी होते थे उनको, जो अधिकारी जो वर्क है उसको जारी किए जाते थे गाइस। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में आप सब लोग रख लेना है, फरमाश की तरह ही होते थे गाइस, है ना। और इनके ऊपर रॉयल सील की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, ठीक है, मतलब नो सील रिक्वायर्ड। एक चीज ये याद रखनी है आपको, एक चीज और याद रखनी है गाइस, कि आपको पहले क्या फरमान जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट फरमान जारी किया जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी। तो इसको आपको याद रख लेना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है आपके। विद रिगार्ड टू द दाग सिस्टम, विद रिगार्ड टू द दाग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन है जो ठीक है। अब्दुल हमिद लाहौरी सेज डेट इट वॉज द लॉ ऑफ द एम्परर डेट दोज मनसबदार हुज जागीर इन एनी ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान पोस्टेड एनी वेयर इन द एम्परर वर ब्रिंग्स टू मस्टर होर्समैन इक्वल इन नंबर ऑफ 1/3 ऑफ देयर सवार रैंक। पहला स्टेटमेंट, इसको आपसे खुद से पढ़ना है गाइस, क्वेश्चन बढ़ा है तो खुद से पढ़िए इसको। दे वर पोस्टेड इन बल्क एंड बदक्शा, दे हैड टू ब्रिंग 1/5। दिस रूल बल्क एंड बदक्शा वाज लेटर अप्लाइड ऑन ऑल दोज पोस्टेड इन द काबुल प्रोविंसेस। खुलासात उस सियाक रिटर्न इन लेटर ईयर ऑफ द औरंगजेब रिंग कन्फर्म्स दीज लॉज। नीचे दिए गए विकल्प में से आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा सब लोग, आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, आंसर बताइए एवरीवन। आपके पास में 15 सेकंड है और 15 सेकंड में मुझे आंसर करना है आप सबको, बताइए 15 सेकंड में आंसर कीजिए सब लोग जल्दी जल्दी। विद रिगार्ड टू द डाक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आपका 4D, 4D इज द करेक्ट आंसर। अब इसको समझिए थोड़ा सा, बी सी और डी, बी सी एंड डी, ये करेक्ट है गाइस। अब यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको दोबारा से देखिए गाइस एक बार, अब्दुल हमीद राहोरी के द्वारा ये कहा गया था कि जिसके पास जागीर होती थी वो कहीं भी पोस्टेड हो, है ना, उसको 1/3 अपने जो सवार रैंक होती थी उसके 1/3 आप उसको हॉर्स रखने पड़ते थे, यानी मस्टर्ड हॉर्समैन रखने पड़ते थे। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? तो गाइज ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत हो जाएगी, पहला वाला स्टेटमेंट, बाकी दूसरा ठीक है, ठीक है, तीसरा भी ठीक है एंड चौथा भी ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, देखो सबसे पहले तो दाग एंड हुलिया एक सिस्टम चला था आपका, दाग एवं हुलिया, हुलिया, दाग एंड हुलिया व्यवस्था। ये दाग एंड हुलिया व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई थी गाइस? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। प्लीज सबसे पहले तो ये याद रखना, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आपका, कि दाग एंड हुलिया सिस्टम है वो किसके द्वारा चलाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
दाग का मतलब क्या होता था गाइस, हर एक हॉर्स को दाग दिया जाता था गाइस, मतलब उसकी निशानी कर दी जाती थी। दागना मतलब क्या होता था, उसकी निशानी कर दी जाती थी, उसकी निशानी कर दी जाती थी, ठीक है। एक सील कर दिया जाता था उसके ऊपर, एक ठप्पा मार दिया जाता था कि भाई ये रॉयल हॉर्स है, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो घोड़े हैं गाइस उनके अदला बदली नहीं होती थी, ठीक है। तो दाग पस्ता किस लिए रखी गई थी, घोड़ों की अदला बदली रोकने के लिए, घोड़ों की अदला बदली रोकने के लिए ये सिस्टम लाया गया था गाइस। अब उसके बाद में थोड़ा सा और देखिए, अकबर ने जात और सवार है ना, वो मनसबदारी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको बहुत ही याद रखना है गाइस। जात का मतलब क्या होता था, उसकी रैंक से होता था गाइस, ठीक है। और सवार का मतलब क्या होता था कि वो कितने घोड़े अपने पास में रखता है, कितने हॉर्समैन अपने पास में रखता है, कितनी कैवलरी अपने पास में रखता है गाइस, घुड़सवार सेना रखता है। जात का मतलब क्या हो गया, रैंक से हो गया। सवार का मतलब क्या हो गया कि वो कितने हॉर्समैन है, कितनी घुड़सवारी सेना है वो अपने पास में रखता है, ये हो गया। उसके बाद में जो शाहजहां है गाइस, उसने ये जो संख्या है वो कम कर दी थी, है ना। तो प्लीज इसको जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है ना। उसके बाद में बल्क एंड बदख्शां से जो होते थे उनको 1/5 रखना पड़ता था, ठीक है। और काबुल के लिए भी गाइस ये वाला सिस्टम ही आपका लागू हो गया था गाइस, है ना। और जो आपका लास्ट में दिया है, खुलासत उस सियाक, ये आपकी औरंगजेब के टाइम पे लिखी गई थी गाइस। ये किताब कब लिखी गई थी, औरंगजेब के टाइम पे। तो इसको भी आप सबको याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज 4, और जिसका भी आंसर 4 है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, और इसमें आपसे बोला गया है सिख गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है इसमें से। सिख गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आंसर कीजिए। एंड प्लीज एक बार आप सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, एवरीवन हेलो हाय बाद में कर लेना, है ना। हेलो हाय सब लोग बाद में कर लेना, और एक बार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए गाइस, आंसर दीजिए इसका। गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख ग्रू अप टू एक्सेल इन बोथ मार्शल आर्ट एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप। पहली चीज, ही री इंटरप्रेटेड द सिख आइडियोलॉजीज टू जस्टिफाई द मिलिट्री एक्शन। प्रिंस मुआज्जम द गवर्नर ऑफ काबुल रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद सिख एंड गेव देम रिफ्यूजी। प्रिंस मुआज्जम वाज सब्सिक्वेंटली ऑर्डर्ड टू एक्सपेल द सिख गुरु हु हैड टेकन रिफ्यूजी इन हिज प्रोविंस, बट ही रिफ्यूज टू कंप्लाई विद। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, 1, 2, 3 या 4। 15 सेकेंड आपके पास में, 15 सेकेंड में आंसर दीजिए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुरु गोविंद सिंह के बारे में 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। आंसर करें एवरीवन, आंसर दिस क्वेश्चन विद रिगार्ड टू सिख गुरु गोविंद सिंह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इसका आंसर दे रहे हैं 3, ठीक है। सबने 3 आंसर दिया है, सी आंसर दिया है, लेट्स सी। और इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो 3 ही है। देखिए ये डी वाला क्या है, आपका गलत है। अब मुझे कौन बताएगा कि ये डी क्यों गलत है, एवरीवन। डी आंसर क्यों गलत है, एवरीवन एक बार बताइए क्यों गलत है ये, है ना। हाँ बिल्कुल एलिमिनेशन से किया जा सकता है, लेकिन आप बताइए कि डी गलत क्यों है, वाई डी रोंग क्यों है।
देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो 10वें सिख गुरु थे, तो ये तो बिल्कुल सिख हैं, ठीक है। और ये लास्ट गुरु भी थे, अंतिम गुरु थे, गुरु सिख परंपरा इनके बाद में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 10वें और अंतिम गुरु थे, पहली चीज। 5 जनवरी 1966 को गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो गुरु बनते हैं, है ना। अपने पिता की मृत्यु के बाद गुरु तेग बहादुर जी के बाद में कौन बनते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें गुरु हमारे होते हैं। पहली चीज, जो सिख धर्म को जो आज प्रेजेंट फॉर्म आपको मिली हुई है, सिख धर्म में जो जो प्रिंसिपल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द इंस्पायर आपके गुरु गोविंद सिंह जी से, है ना। इन्होंने एक खालसा जो पंथ है, खालसा पंथ की शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि किसने खालसा पंथ की शुरुआत की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की गई, ठीक है। कब की, 1699, तो प्लीज याद रखना। इस इन्हीं के द्वारा गाइस 5K है जो सिक्किज्म में है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, कि पांच चीज है वो क्या क्या रखनी है, ये भी याद रखना। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही सिख धर्म को मिलिट्री सेक्ट बनाया गया था गाइस, एक ये भी याद रखना गया। जो प्रिंस मुआज्जम है, द गवर्नर ऑफ काबुल रीच एंड अंडरस्टैंडिंग विद द सिख एंड गेव देम रिफ्यूजल। दो प्रिंस मुआज्जम है गाइस, उन्होंने उसको शरण दी, ये आपको याद रखना है। जो मिलिट्री आपका जो खालसा जो पंथ है गाइस, उसकी भी शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, एक जरूर याद रखना है। एक जो गुरु गोविंद सिंह जी के पापा जी हैं, है ना, गुरु तेग बहादुर, है ना, उन्होंने 10th volume की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी थी कि 10th ग्रंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 10th ग्रंथ की जो स्थापना है गाइस वो किसके द्वारा की गई थी, वो गुरु तेग बहादुर सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, रिफ्यूजी दिया था गाइस, तो ये गलत हो जाएगा, उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया था, नोट रिफ्यूज, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए आप कि यहाँ पे रिफ्यूजी उनको मिली थी, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वन आर करेक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन से कथन ठीक है गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज क्लास में नहीं है, क्या कोई आपकी और क्लासेस चल रही है अभी, इतने सारे स्टूडेंट कैसे क्लास से गायब हैं, एवरीवन एक बार बताइए मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास से गायब हैं, क्या हुआ, आज बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में है ही नहीं, एनी स्पेसिफिक रीजन, इसका आंसर दीजिए। एज अ मूवमेंट इट इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप क्लासेस सो लॉन्ग एज दे वर कमिटेड टू डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर नेशनलिज्म। द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर डिड नॉट रिकॉग्नाइज मास मूवमेंट बट डिड कैरी आउट एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसर। द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर फोट अगेंस्ट एवरी इंफ्रिंजमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच। They struggled for separation of judicial and executive powers and fought against racial discrimination. Choose the correct answer from the options given below. सही आंसर का उत्तर दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी में भी पढ़िए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको 4 कथन दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। एवरीवन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ए बी सी या डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
एवरी वन आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। ए बी सी या डी, 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड में आप सबको आंसर करना है, तो सब लोग फटाफट से आंसर कीजिए एवरीवन। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इसका ए आंसर कर रहे हैं, लेट्स सी। और इसका जो सही आंसर है गाइस वो होगा आपका ए, ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। देखिए सबसे पहले तो आप देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है गाइस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन से कथन ठीक है यहां पे। अब देखिए तो यहाँ पे एज अ मूवमेंट इट इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप क्लासेस सो लॉन्ग एज दे वर कमिटेड टू डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर नेशनलिज्म। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल उन्होंने करी, ओके। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में उन्होंने बात की, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर के जो हमारे यहाँ पे नस्लीय भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आपके ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है गाइस 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की है वो स्थापना हो गई थी आपकी, कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में, ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो सब आपको पता है कौन कौन से थे गाइस, ए ओ ह्यूम, पी सी बनर्जी, दादो भाई नारोजी, विलियम वेडरबन, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे के सारे क्या हैं इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑल बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, आंसर कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, Which of the following unpopular legislative and administrative measures were initiated by the Lord Curzon? Calcutta Municipal Amendment Act, Indian University Act, Indian Official Secret Amendment Act, Local Self Government Act, Criminal Law Amendment Act. बताओ। वैसे शायद ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है जहां तक मुझे पता है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अनपॉपुलर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड कर्जन, आंसर बताइए। 15 सेकेंड आपके पास में है और 15 सेकेंड में करेक्ट आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनपॉपुलर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड कर्जन, ए बी सी डी या ई। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बताओ। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, काफी लोग ए आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी भी आंसर दे रहे हैं, है ना, ये वैसे रिपीट था ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ये लॉर्ड कर्जन के टाइम के नहीं थे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि किस किस के टाइम के थे। तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड होता है वो 1899 से 1905, ठीक है। तो एक तो आपका जो एक्ट आता है गाइस वो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इनके टाइम पे आता है, एक आपका जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट इनके टाइम पे आएगा, है ना, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है गाइस वो 1923 में आता है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना है, ऑफिशियल
सीक्रेट एक्ट, वो 1923 में आपका आता है, इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे ठीक है। और बाकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला लॉर्ड रिपन के टाइम पे आता है, वो सब आपको पता ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन, आंसर कीजिए इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट्स लीडर इनिशिएटेड द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क अमंग द पीजेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू कन्वे देयर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुंवरजी मेहता, ईशान चंद्र रॉय, भास्कर राव यादव, शशि पदा बनर्जी और द्वारका नाथ गांगुली। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक ऐसा किसान नेता था, है ना, किसान था, जिन्होंने ब्रिटिश के समक्ष अपने जो समस्याएं हैं उनको संगठनात्मक रूप से एक साथ किया सभी को और ब्रिटिश के समक्ष रखा। ए बी सी डी या ई, 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आंसर कीजिए सब लोग जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सो माधुरी जा, ए नुसरत, ए राजश्री बेहरा, ए सिमरन, प्रतीक्षा, मोस्ट ऑफ द पीपल ए ही आंसर कर रहे हैं। देखते हैं कितने लोग सही करेंगे इसको। Which of the following peasant leaders initiated the organizational work among the peasants in various part of India to convey their grievances to the British government? और इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, जो सही उत्तर होगा वो है आपका ए। देखिए ए और बी, कुंवरजी मेहता एंड ईशान चंद्र रे, कुंवरजी मेहता एंड ईशान चंद्र रे इज द करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो यहां पे एक गुजरात सभा हुई थी, है ना, गुजरात सभा, और वो किसके अंडर में हुई थी, गांधी के अंडर में, गांधी जी के अंडर में। गाइस एक इंफॉर्मेशन है, कल और परसों की जो हमारी स्पेशल क्लासेस हैं वो गांधीयन एरा पे हम करने वाले हैं। कल आपकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल जो स्पेशल क्लास होगी आपकी, स्पेशल क्लास होगी उसका टाइमिंग देख लीजिए, सैटरडे को होगी 7 PM पे, यानी कल की क्लास अनअकैडमी ऐप पे होगी। संडे को आपकी जो क्लासेस का टाइम है वो 7:30 एज यूजल टाइम है, और उसमें हम करने वाले हैं गांधीयन एरा, गांधीयन मूवमेंट्स, जितने भी गांधी जी के मूवमेंट्स थे उनको हम पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में अनअकैडमी ऐप पे। तो आप सब लोग मेरी प्रोफाइल में जाके इस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। एवरीवन जो टाइम फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस देख रहे हैं वो शिव 10 रेफरल कोड अनलॉक कोड लगा के इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। गांधीयन मूवमेंट है वो जो हम करने वाले हैं सैटरडे एंड संडे को, ठीक है। तो आप सब लोग क्लास को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब इसको देखिए गाइस, जो हमारी शुरुआत होती है यहाँ पे मतलब संगठनात्मक रूप से, वो आपका यहाँ पे गांधी जी आते हैं गाइस, उनके प्रेसिडेंसीशिप में यहाँ पे वो शुरुआत होती है गाइस, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं गाइस जो जुड़ते हैं, ठीक है। तो खेड़ा से जो गांधी जी की जो शुरुआत हुई थी वो होती है, उसके बाद में बहुत सारे पीजेंट्स मूवमेंट है गाइस उनकी शुरुआत हो जाती है, जैसे कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, ठीक है, है ना, नहारी पारिक हो गए, मोहनलाल पांडे हो गए, रविशंकर व्यास हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, पीजेंट रिवोल्ट है उसमें पार्टिसिपेट किया था। बाकी डिटेल्स हैं वो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब आप करेंगे। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ द संथाल अपराइजिंग ऑफ 1855। संथाल अपराइजिंग के क्या 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 है फीचर्स हैं, द एरिया ऑफ अपराइजिंग वॉज कोल्ड द दमन एकोही, ट्राइबल मेड आर डिटरमाइंड अटेम्प्ट्स टू एक्सपेल द आउटसाइडर, रिबेल्स प्रोक्लेम द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ द एलियन रिज्यूम, ट्राइबल्स पोस्ट लेटेस्ट वेपन्स,
ट्राइबल्स वर अपोज्ड बाय द गवाल्स एंड लोहार, मिल्कमैन एंड ब्लैकस्मिथ। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। 1855 के संथाल विद्रोह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? विद्रोह का जो एरिया था उसको दमन एक कोहो बोला जाता था। आदिवासियों ने भारी लोगों को निकालने का दृढ़ प्रयास किया। विद्रोहियों ने देसी शासन के पूर्ण विनाश की घोषणा की। आदिवासी के पास नवीनतम हथियार थे। आदिवासियों का गवालों और लोहारों है ना द्वारा विद्रोह किया गया। 15 सेकंड और आंसर करें। सही आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। 1855 के संथाल विद्रोह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ द संथाल अपराइजिंग ऑफ 1885? सो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका 3। आंसर इज 3, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए आप, ए बी सी, ए बी और सी। आदिवासियों के पास नवीनतम हथियार हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते गाइस। दूधे और लुहारों ने इनका विरोध किया, नहीं किया, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे गाइस। ओके, ये भी नहीं थे और ये भी नहीं थे गाइस, ए बी और सी, ये तीन क्या है आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिसका भी आंसर क्या है 3 है गाइस, जिसका भी आंसर 3 है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं। जिसका भी आंसर 3 है और 2+ अपने स्कोर में आप सब लोग कर लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd क्वेश्चन बताइए। ये तो हमने कर लिया है दाग सिस्टम को ऑलरेडी। 74 ये भी हो गया है आई थिंक, यस। 75th क्वेश्चन को बताइए। अमीर कुंद विच डील्स विद द डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। क्वाइन ए पूर निमात, वाज उल हयात, नू सिफिर, हस बिहिस्त। पंद्रह सेकेंड आंसर बताओ। अमृत कुंड विच डील्स विद डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिस फॉर हेल्थ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। बताओ, करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। क्वाइन ए पुर निमात, वाज उल हयात, नूसिफर, हस बिहिस्त। करेक्ट आंसर बताइए। सो गाइस द वेरी करेक्ट आंसर इज 2, हुज हल हयात, हुज उल हयात इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखिए, है ना। अमृत कुंड का पर्शियन जो वर्जन है वो क्या है, जो अमृत कुंड है गाइस, अमृत कुंड का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है, फारसी अनुवाद है, वो इस नाम से है आपका। फारसी अनुवाद है गाइस वो हर्ज अल हयात के नाम से है, फारसी अनुवाद। तो इसको आप सब लोग याद रखना है, भूलना नहीं। यस, हयात
से हम निकाल सकते थे इसको। इसमें आपको क्या दिया हुआ है गाइस, इसके बारे में हेल्थ एंड एक्सरसाइजेस के बारे में दिया हुआ है गाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे टर्म आपको दिए हैं, यहाँ पे मीनिंग आपको दिया है। अमीर ए कोही, अमीर ए आकुर, बंद दबीर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, सेक्रेटरी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द एग्रीकल्चर, ऑफिसर कमांडिंग द होर्स। पंद्रह सेकंड है और 15 सेकंड में आंसर कीजिए सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा एवरीवन? मैच लिस्ट विद लिच सेकंड। आंसर बताओ सब लोग। अमीर ए कोही, अमीर ए आकुर, बंद दबीर। किसने कहा कि 3 और 4, अच्छा 3 और 4 सेम है आपके, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप कर लीजिए इसको 3 कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है 3, ये तो 3 तो हो गया आपका, यस ये 2 है और ये 3 है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। एक बार चेक करें इसको, मैं तीसरे ऑप्शन को लिख दे रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट, दूसरा है, फोर्थ, 1 और 3। फोर्थ ऑप्शन है गाइज वो ऐसे है, 3rd, 4th, 1st और 2nd। अभी क्लियर है सबको एवरीवन? चलो, सो द करेक्ट आंसर इज डी, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। अमीर ए कोही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, अमीर ए आकुर जो खोड़ों का कमान संभालने वाले अधिकारी, बंद कौन होता था, इंटेलिजेंस ऑफिसर होता था गाइस, है ना। ये बेसिकली बरीद है गाइस, बरीद, इसको बरीद बोलते हैं, बरीद। एक होता था दबीर, दबीर कौन होता था आपका, दबीर होता था सेक्रेटरी, ठीक है, सचिव जिसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4। आंसर क्या है आपका, 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। और जिसका भी आंसर 4 है वो 2 प्लस अपने स्कोर में आप कर सकते हैं एवरीवन, 2 प्लस स्कोर में कर लीजिए जिसका भी आंसर 4 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंटी सेवन क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, असर्जन है और आपका रीजन है गाइस। असर्जन में क्या दिया है ध्यान से पढ़े, कॉलोनियल साइंस वाज इनएक्सप्लिकेबली वूवन इनटू होल फैब्रिक ऑफ द कॉलोनियलिज्म। कोलोनियल साइंस डिड नॉट कम इन अ नीट पैकेज, द क्लेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड यूटिलिटी ऑफ अ साइंस मेसअप्ड इट्स आइडेंटिटी। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताइए सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, असर्जन है रीजन है। इंग्लिश में पढ़िए, अब हिंदी में भी पढ़ लीजिए इसको। कथन दिया है और आपको कारण दिया है। कथन क्या दिया है, उपनिवेशिक विज्ञान को उपनिवेशवाद के पूरे ताने बाने में अभिन्न रूप से बुना गया था। उपनिवेशिक विज्ञान का एक साफ पैकेज में नहीं आया था, सार्वभौमिकता और विज्ञान की उपयोगिता के दावों ने इसकी पहचान गड़बड़ कर दी। उपयोग कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है,
और कोड को चूज करना है कि कौन सा आंसर सही हो। 15 सेकंड, और 15 सेकंड में आंसर करें। बताइए सब लोग। एवरी वन आंसर दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? वन, टू, थ्री या फोर? सही आंसर दीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कथन दिया है और आपको यहां पे कारण भी दिया है, और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से। सब लोग बता दीजिए जल्दी से। एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज वन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं गाइस, ठीक है। जो हमारा कोलोनियल साइंस था, कोलोनियल साइंस था गाइस, वो कोलोनियलिज्म के विचार से काफी प्रभावित था, ठीक है। कोलोनियलिज्म का जो आइडिया था उससे काफी प्रभावित था, तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78, द मुगल एम्परर वांटेड टू कंट्रोल द नोमैडिक पेस्टोरल ट्राइब्स ऑफ सिंध बिकॉज। बताइए मुगल सम्राट सिंध की जो पेस्टोरल ट्राइब थी उसको क्यों नियंत्रित करना चाहते थे, मतलब जो खनाब दोष, जो देहाती जनजातियां थी उनको नियंत्रित क्यों करना चाहते थे, बताओ। दे वांटेड टू प्रोसेल्टाइज देम टू इस्लाम, ठीक है, वो उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू ब्रिंग दैम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुरावर्दी सूफी सिलसिला। दे वॉन्टेड टू मेक दैम सेडेंट्री टू एनहेंस द इम्पीरियल इनकम। दे वॉन्टेड टू एक्वायर देयर फ्यूज लाइफ स्टॉक फॉर देयर यूज। 15 सेकंड, और करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। सही उत्तर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर बताइए। एवरी वन आंसर दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्परर वॉन्टेड टू कंट्रोल द पेस्टोरल ट्राइब ऑफ सिंध। आंसर बता दीजिए सब लोग जल्दी जल्दी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? द मुगल एम्परर वांटेड टू कंट्रोल द नोमैडिक पेस्टोरल ट्राइब्स ऑफ सिंध बिकॉज। वन, टू, थ्री या फोर? बताइए सब लोग आंसर दीजिए। मेरा जो अनअकैडमी पे जो सेशन होता है गाइस, वो 7:30 AM पे होता है यूजुअली, लेकिन कल आपका है 7 PM पे। कल 7 PM पे है, सैटरडे को 7 PM होता है, बाकी 7:30 AM पे आपके डेली बेसिस पे होते हैं। सो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है 3। दे वांटेड टू मेक देम सेडेंटरी टू एनहांस द इंपीरियल इनकम, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, तो सब लोग इसको याद रखना, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ो। सोर्सेस दिए हैं आपको स्रोत, और यहां पे उनका विषय वस्तु। गुनियात उल मुनाया, फतवा ए जहांदारी, अदब हुल हर्ब व सुजात, कजाइन उल फतुहा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपके पास में 15 सेकंड है,
एंड गाइस 15 सेकंड में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपके पास में ऑप्शंस दिए हैं गाइस, स्रोत हैं और विषय वस्तु दी है। आप मुझे बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सब लोग बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका, एक बार सब लोग आंसर दीजिए उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर क्या है इसका गाइस, आंसर है आपका टू। ठीक है, ये गुनायत उल मुनाया क्या है, अ ट्रीटाइज ऑन द म्यूजिक कंपाइल ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक, ये संगीत के ऊपर रचना है गाइस, ऊपर रचना पहली चीज। फतवा ये जानदारी क्या है गाइस, ये आपका पॉलिटिकल फिलोसफी से है। अदब उल हर्ब सुजात क्या है, ये वारफेयर से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है आपका। खजाइन उल फतवा क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्कन अभियान था गाइस उसके बारे में दिया हुआ है गाइस। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्कन अभियान है उसके बारे में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा टू। सो द करेक्ट आंसर इज टू, तो जिस आंसर टू है वो टू प्लस अपने स्कोर में कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मालवा सुल्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट, निम्नलिखित मालवा सुल्तानों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और जल्द बताएं। ग्यास शाह, नस शाह, मोहम्मद शाह गोरी, महमूद खिलजी फर्स्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, आपके जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सही आंसर को चयन करके बताएं सब लोग। करेक्ट आंसर बताओ सब लोग, एवरीवन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग मालवा सुल्तान इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, गियास शाह, नश शाह, मोहम्मद शाह गोरी, महमूद खिलजी फर्स्ट, है ना, और आपको ऑप्शंस दिए हैं आपको बताने के करेक्ट आंसर क्या होगा। बता एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। गियास शाह, नश शाह, मोहम्मद शाह गोरी और महमूद खिलजी फर्स्ट, सही आंसर बता दीजिए सब लोग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है गाइज वो है फोर, फर्स्ट महमूद खिलजी, ठीक है, गियास शाह और उसके बाद में नशा। अब गाइज मालवा सुल्तान और ये सारी की सारी डिटेल है मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में करवाए हैं, स्पेशल क्लास में प्रोविंशियल किंगडम्स हैं गाइज उनको कंप्लीट करवाया है, तो जिसने वो सेशन नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने एक क्रोनोलॉजी भी आपको करवाई थी, तो स्पेशल क्लासेस हुई थी आपकी अनअकैडमी ऐप पे, वहाँ पे मैंने सारी के सारे किंगडम्स वगैरह हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप देखना। ओके, अब जो कल हमारी जो क्लास होगी गाइस, है ना, स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ, और उससे पहले गाइस अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो एक बार सब लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर सेशन पसंद आया तो एवरीवन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन,
फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दो अगर सेशन अच्छा लगा हो आपको। अब देखो जो स्पेशल क्लासेस का जो शेड्यूल है उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो आप कब कब आपकी स्पेशल क्लासेस हैं जो होने वाली है। तो देखिए कल की जो स्पेशल क्लास होगी, सैटरडे की जो स्पेशल क्लास होगी, वो 7 PM पे होगी, ठीक है। अनअकैडमी ऐप की मैं बता रहा हूँ, अनअकैडमी ऐप 7 PM। संडे को जो स्पेशल क्लास होगी आपकी वो मॉर्निंग में होगी 7:30 AM पे, ठीक है। अनलॉक कोड है मेरा शिव10, अनलॉक कोड होगा शिव10। लिंक आपको ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल का दिया हुआ है, वहां से जाके, ठीक है, वहां से जाके आप सब लोग फॉलो कीजिए, है ना, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए और वहां से आप सब लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप पे आपकी ये क्लासेस होंगी, एवरीवन वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना इसको, अनअकैडमी ऐप पे ये क्लासेस होंगी। उसके बाद में गाइस अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए एवरीवन, ठीक है। और गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो हर नए बैचेस, वेडनेसडे को नए बैचेस आपके स्टार्ट होते हैं। अभी गाइस आपके लिए ऑफर है 6+2 एंड 12+2, यानी 6 मंथ का लेंगे तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा, एंड 12 मंथ का लेंगे तो भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस या आइकोनिक जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। अभी आपकी जो फीस है गाइस वो हो चुकी है 14,500 12 मंथ की, लेकिन जैसे ही रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस हो जाएगी यहाँ पे 13,050, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट 10% यहाँ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यहाँ से अप्लाई करेंगे। जैसे आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में आइकोनिक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइकोनिक की फीस है 12 महीने की 26,000। रेफरल कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा। शिव10 मेरा रेफरल कोड है और इसको आप अप्लाई कीजिए। आइकोनिक के फायदे क्या होंगे गाइस? आइकोनिक के फायदे हैं आपको यहाँ से आपको पर्सनल कोच मिल रहा है, स्टडी प्लानर आपको मिल रहे हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन है, SOPs एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं गाइस जो आपको मिलती हैं ऑन द आइकोनिक, ठीक है। एक गाइड आपको मिलेगा जो थ्रू आउट योर जर्नी आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, नोट्स चाहिए तो आपके लिए गाइस ये बैट्स होंगे ना, आपको यहाँ पे आप नोट्स भी दिए जाएंगे। ये आपके कुछ बैच कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, तो जिसको भी ज्वाइन करना है इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। देन गाइज अगर आपको इस सेशन में कुछ भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जाके आप अपनी कंप्लेंट या अपने इश्यूज हैं उसको रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लासेस का शेड्यूल है। कल 9 बजे आपका एक स्ट्रेटजी सेशन है गाइज, तो उस स्ट्रेटजी सेशन को आप जरूर अटेंड कीजिए, आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलने वाली है। 9 AM पे फिर आपकी शाम को क्लास है, देन आपकी 7 PM। ये प्रोफाइल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया मुझे तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कीजिए। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगे उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय ना। बाकी चीज़ें हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही है। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।